गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज बात करने वाले हैं वो 8th क्लास का लेसन है, थर्ड हिस्ट्री का, जिसका नाम है पीसेंट्स एंड राज, यानी किसानों के ऊपर कैसे राज हो गया, अंग्रेजों ने कैसे शासन किया, कैसे रेवेन्यू इकट्ठा करती थी, उन सभी की हम बात इस चैप्टर में करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले हम जो बातें करने हैं कि एस वी ऑलरेडी रीड द लैंड रेवेन्यू वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो हमें पता ही है कि जो सबसे बड़ा इनकम का सोर्स था वो रेवेन्यू था, जो कहाँ से प्राप्त करते थे, वो पीसेंट से प्राप्त करते थे। कैसे, मान लीजिए कर महसूस करना, टैक्स महसूस करना पीसेंट से, जो एग्रीकल्चर जो उनकी प्रोडक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग वो उनसे कर महसूस करते थे। इट वॉज देयर फॉर नेसेसरी टू एस्टैब्लिश एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कलेक्टिंग द रेवेन्यू फ्रॉम द पीसेंट। तो वो क्या करते थे कि इस प्रकार सेटअप करते थे कि उनके क्या किया जाए, उनसे रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए, उनको आप उनसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके अंग्रेज लोग। वो किसानों के ऊपर ये ध्यान नहीं रखते थे। और वेरियस लैंड रेवेन्यू सिस्टम कम इनटू प्रैक्टिस अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जब इन लोगों ने इंडिया पर कब्जा किया, इस पर उन्होंने अलग अलग सिस्टम का जो लैंड रेवेन्यू था वो सेटअप किया, किसी किसी स्टेट में किस प्रकार का किया, किसी स्टेट में किस प्रकार का किया, लेकिन उनके अलग अलग तरीका था उनको सेटअप करने का। बिस साइड वेन द लार्ज ट्रैक्ट ऑफ कंट्री साइड कम अंडर द ब्रिटिश रूल एंड सर्टेन क्रॉप्स विच हैव ग्रेटर कमर्शियल वैल्यू कम टू फेवरेट फॉर कल्टिवेशन। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि जैसे इंडिया पर उन्होंने कब्जा किया, तो जो रूल उन्होंने पीसेंट के ऊपर सेटअप किया, जैसे ही गाँव में गए अंग्रेजी लोग, तो उन्होंने देखा कि कौन सी फसल हमारी मार्केट के लिए अच्छी है जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। उन्होंने ऐसे कहा कि जो किसानों को इस प्रकार की फसल को उगाने को कहा कि अब ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकें उसको उगाएं और प्रॉफिट अंग्रेजों को होए। ऐसे रिजल्ट इंडिगो एंड टी इन द अर्लियर पीरियड एंड जूट एंड टी इन द लेटर पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल बिकम मोर कमर्शियल क्रॉप एट दे हेल्प एंड मेंटेन द मेंटेन ए हेल्थी बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो सबसे पहले जो हमारे पास कल्टीवेशन होती थी, दो वो करते थे कि हम इंडिगो और टी को उगाने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने देखा कि इसकी इस चीज़ हमें पैसा ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। उसके बाद उन्होंने दो फसल को और ध्यान देना शुरू किया, वो कौन सी थी, एक तो आपको पता है जूट, दूसरी टी, जिसको पता कि इससे अभी ज़रूरत है, लोग अभी इसको ज़्यादा मांग कर रहे हैं, इससे हम ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए उन लोगों को जब ब्रिटिश लोगों ने हमारे किसानों को ये कह दिया कि आप इस प्रकार की फसल के लिए कल्टीवेशन कीजिए, दे हेल्प द ब्रिटेन मेंटेन द हेल्थी बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसके कारण ब्रिटेन को ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यूजली द क्रॉप्स आर कल्टीवेट एट द कॉस्ट ऑफ फूड क्रॉप्स सच राइस एंड वीट। तो इसके में दिस क्रॉप्स वर कल्टीवेट एट द कॉस्ट ऑफ फूड क्रॉप्स भी उगाई जाती थी, इसके अलावा वो कौन सी, राइस एंड वीट। द ब्रिटिश अडॉप्टेड द फेडरेटेड कंस्ट्रक्ट ऑफ अप्रिसिएशन टू द फोर्स पीसेंट टू कल्टीवेट दिस क्रॉप। तो उनको ये प्रेशर किया था कि आप इस प्रकार की फसल को क्या करिए, कल्टीवेशन करिए, तो उनको फोर्स किया था तक किसी जहाँ हम कहते हैं कि जबरदस्ती इस प्रकार की फसल को कल्टीवेशन करने के लिए कहा गया। रिस्पॉन्डिंग टू द टर्मिनस रीजन्स एंड इट्स डिटेट्स ए मैनी पीसेंट ग्रुप रोस इन द रिवॉल्ट एंगेज द कॉलोनियल अथॉरिटी एंड दोस ही मंग द कॉपरेटिव्स हु हैड रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंट कॉलोनियल पॉलिसी। इसलिए लोग किसान लोग थे उनसे जो अत्याचार होते थे, जो उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनको परेशान करते थे, इसी कारण वो कहते हैं बढ़ के उठे हैं, रिवोल्ट करते हैं अंग्रेजों को, क्योंकि जो आप कहते हैं जो आपकी थ्योरी है, अंग्रेजों कहते हैं जो किस पर थ्योरी है उसको चेंज किया जाए और हमारे अकॉर्डिंग काम किया जाए। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉलोनियल अग्रेरियन पॉलिसी। तो ड्यूअल सिस्टम है जो गवर्नर का स्टार्ट किया था, गवर्नर ने जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था वो बाय द ब्रिटिश ने बंगाल में स्टार्ट किया। एम क्या था उनका, ये मेन एम था इनका इंक्रीजिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू को क्या करना, इंक्रीज करना फॉर कंपनी के लिए, बाय फॉर फाइन कॉटन, अच्छी कॉटन खरीदना, सिल्क एंड सिल्क खरीदना कहाँ, सस्ती रेटों में और विद दैट रेवेन्यू, और रेवेन्यू के साथ
कॉटन और सिल्क को अच्छी कीमत से सस्ती कीमत से खरीदना ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रॉफिट हो सके और बाहर जाकर बेच सके, बेच कर ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। द ऑर्गेस द मैक्सिमम रेवेन्यू डायरेक्टली लीड टू इन फेमस बंगाल फेम ऑफ 77 इन द विच इन द वन थर्ड पॉपुलेशन ऑफ बंगाल प्रिजर्व्ड द एग्रीकल्चर वाज अब्रॉन्स इन द मैनी पार्ट ऑफ बंगाल। तो क्या हुआ कि उनके ऊपर पड़ गया 1770 में क्या हुआ, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने पर उनको भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं रखा था, अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं रखा, उनको ज़बरदस्ती रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इकट्ठा किया गया। इसी का बहुत सारे किसान के परेशान हो चुके थे, उन्होंने कह चुके थे कि वो इस पर कल्टीवेशन को छोड़ चुके थे। और सो ईस्ट इंडिया कंपनी इम्बार्क्स ऑन द सिस्टमेटिक अप्रोच टू लैंड रेवेन्यू कलेक्ट विद द व्यू ऑफ कलेक्टिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन टाइमिंग एंड प्रैक्टिकली मैनर्स। तो मान लीजिए इन्होंने कहा कि अप्रोच किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। रेवेन्यू का मीनिंग क्या था कि इनसे साथ टैक्स प्राप्त करना का जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि किस प्रकार उनकी जो लाइफ थी खत्म हो चुकी थी किसानों की, क्योंकि उनके जब वो रेवेन्यू नहीं दे सकते थे तो उनकी लैंड को बेच दिया जाता था, उनकी लैंड को सेल कर दिया था। और अंग्रेज लोग क्या करते थे, रेवेन्यू इकट्ठा करते थे। तो इसके लोग जो किसान थे बहुत दुखी हो चुके थे, उनके स्ट्रिक्टली क्या करते थे कि जो अंग्रेज लोग थे बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। इन द ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस द 3 मेन टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इंडिया में। तो इंडिया में 3 टाइप का लैंड रेवेन्यू सेटअप करते हैं अंग्रेज लोग। फर्स्ट जो आता है हमारे पास द परमानेंट सेटलमेंट कवर्ड, जो कहाँ पर किया परमानेंट सेटलमेंट, कहाँ पर किया, बंगाल बिहार उड़ीसा बनारस डिवीजन ऑफ यूपी अकाउंटिंग फॉर द 90% ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी। जो 90% ब्रिटिश टेरिटरी है वहाँ पर उन लोगों ने इस प्रकार का सिस्टम सेटअप किया। सेकंड हमारे पास रहतवाड़ी, तो रहतवाड़ी सेटलमेंट जो कवरिंग हुई है बम्बे एंड मद्रास में सेटअप करते हैं, जहाँ पर 51% जो कंपनी की प्रियोरिटी थी। और महलवाड़ी वहाँ पर किए जहाँ पर 30% की कंपनी का अधिकार था। जनरेट द प्रोविजंस एंड लार्ज पार्ट ऑफ मॉडर्न डे ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल प्रोविजन एंड पंजाब में। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो सिस्टम सेटअप करते हैं वो अंग्रेज लोग करते थे, जहाँ पर कहाँ पर महलवाड़ कर दिया, कहीं पर परमानेंट सिस्टम कर दिया, कहीं पर रहतवाड़ी सिस्टम कर दिया। द कमर्शियल ऑफ एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, तो कमर्शियल का मीनिंग है, एक सिंपल सी बात कह दूँ, कमर्शियल का मीनिंग है जो चीज़ सिर्फ हम सेल मार्केटिंग में सेल करने के लिए बेचते हैं जिससे ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो कमर्शियल फार्मिंग होती है। तो कमर्शियल ऑफ एग्रीकल्चर सिंपली मीन द पीसेंट ग्रो मोर देन ही हैड हीज फैमिली कैन बी कंज्यूम एंड सेल द रेस्ट इन द मार्केट। तो उसका मीनिंग है कि जो घर की नीड्स तो पूरी करें लेकिन इससे अलावा क्या कर सकें, उसको मार्केट में बेचा जाए, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन। कमर्शियल का मीनिंग है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना, प्रोड्यूस करना, ताकि उसको मार्केट में बेचा जा सके। इट यूजली हैपन इन द इकोनॉमिकली वेयर द लैंड रेवेन्यू डिमांड इन द कैश नॉट एज पार्ट ऑफ प्रोड्यूस। तो मान लीजिए उनका जो लैंड रेवेन्यू था उनमें कैश में प्रोड्यूस करते थे, कैश में लेते थे, वो जो लैंड रेवेन्यू था जो कर था वो लैंड में नॉट एज पार्ट ऑफ प्रोड्यूस, जो चीज़ प्रोड्यूस नहीं हुई थी। इन इंडिया आफ्टर द वेरियस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वर पुट इन द प्लेस, तो बहुत सारे लैंड रेवेन्यू अलग अलग प्रकार के सेटअप हुए इंडिया में। ऑल द कमर्शियल ऑफ एग्रीकल्चर टुक द प्लेस एंड ऑल 3 लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स दैट वी रीड अबाउट द अर्लियर बेस ऑन द कैश पेमेंट। तो जो हम पढ़ चुके हैं कि जो 3 प्रकार का सिस्टम था वो सभी क्या थे, कैश के रूप में काम करते थे, कैश के रूप में उनको प्राप्त करते थे कि आपको जो भी देना है कर वो आपको कैश के रूप में देना पड़ेगा। सो जिमीदार लैंड बर्वर्स और द रायत हैड टू मेक द इनफ प्रोविजन फॉर कैश सेलिंग द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड एबल टू बी पे द रेवेन्यू। तो क्या करते थे कि जो रायत के थे, जो वो क्या करते थे जिमीदार थे, वो अपने क्या थे जो चीज़ थी वो मार्केट में बेचते और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, वो क्या प्राप्त करते रेवेन्यू के लिए पैसे प्राप्त करते और बाद में उसको दे देते थे। सेकेंडली डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू दे वाज रैपिड कमर्शियल ऑफ लैंड, दिस मीन दैट कि राइट टू वन लैंड डिड नॉट हैव डिपेंड ऑन द बर्थ राइट और एनी ट्रेडिशनल राइट।
ऑन द एबिलिटी। तो मीनिंग क्या है कि जो डायरेक्टली जो रिजल्ट हमारे पास आता है दैट इज रैपिडली जो कमर्शियल फॉर्म में तेज़ी से इंक्रीज हो रही थी वो ज़्यादा ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। इसके अलावा क्या है कि जो राइट था हमारी लैंड के ऊपर नहीं था उसका ऑन द बर्थ या ट्रेडिशन तरीके से अपने लैंड के ऊपर किसी प्रकार का अधिकार नहीं था इसका किसानों का टू पे द रेवन्यू ऑन द टाइम। इन द केस ऑफ डिफॉल्ट लैंड वुड बी पुट टू एक्सेशन दिस वाज फंडामेंटल चेंज इन द प्रोविजंस एंड लैंड सिस्टम इन इंडिया लीडिंग टू मच डिस्ट्रप्शन ऑफ रूरल सोसाइटी। वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते सिस्टम चेंज कर देते अंग्रेजों भी किस प्रकार के हमें करना है। अकॉर्डिंग लैंड रेवन्यू का सिस्टम था वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते थे जिसके कारण पूरी तौर से सोसाइटी क्या चुकी चेंज हो चुकी थी और लोगों को प्रॉब्लम होने लगी थी। और देखा जाता कि जैसे हम देखें कि जो फंडामेंटल चेंज था प्रीवियस वो एग्जिस्ट इंडिया में था लेडिंग द जो मास्टर क्या लेकर डिस्क्रिप्शन लेकर आए इन रूरल सोसाइटी में। थर्ड जो हमारे पास चेंजिंग आती है वो रूरल एरिया में फोर्स द कल्टिवेशन सम कमर्शियल फार्मिंग। तो लोगों को ये कमर्शियल फार्मिंग को उगाने के लिए फोर्स किया था। तो सम टाइम रेफर टू एज द प्लांटेशन क्रॉप्स पीसेंट्स वर फोर्स टू कल्टिवेट हाई वैल्यू कमर्शियल क्रॉप्स। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स किया था कि आप इस प्रकार की फसलों की कह सकते हैं कल्टिवेट करोगे जो कमर्शियल फायदा है जो अंग्रेजों को। दिस क्रॉप्स वर नॉट नीडली लोकली एंड नॉट ओनली एक्सपोर्ट। ये जो क्रॉप्स नॉट नीडली लोकल ये फसल थी ये नीडर नहीं थी लोकल एरिया में देवर मीट ओनली एक्सपोर्ट। ये सिर्फ एक्सपोर्ट की है थी बाहर भेज जाती थी ताकि ज़्यादा ज़्यादा कह सके वो प्रॉफिट कमा सके। इससे ज़्यादा आगे बात करने वाले हैं इन द फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनिक रूल में जो ओपिनियन ऑन इंडियो और जो नशे की फसल अफीम या इंडिगो वगैरह को ज़्यादा मेन कमर्शियल फार्मिंग मानी जाती थी क्योंकि उनसे ज़्यादा ज़्यादा उगाने के लिए कहा जाता है जहाँ जो ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ओपिनियन कल्टिवेटर इन द वेस्टर्न इंडिया में की जाती उसको क्या है उसको चाइना में एक्सपोर्ट किया था उसके बदले वो चाइनीज चीज को बाय करते थे। इंडिगो वाज द कल्टिवेटर मेनली बंगाल प्रोविजन उगाई जाती एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन भेजा जाता था उसको यूरोप हेल्पिंग द कंपनी मेक द हुग प्रॉफिट। तो ये जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाती थी प्रॉफिट कमाती थी। अमरीका वाज द ओनली अदर कंट्री दैट प्रोड्यूस इंडिगो इन लार्ज क्वान्टिटी। अमरीका एक ऐसा देश था जो सिर्फ इंडिगो ही प्रोड्यूस करता था ज़्यादा क्वान्टिटी में। आफ्टर द अमरीका बिकम द इंडिपेंडेंट 1776 के बाद 1776 इंडिया अमरीका आज़ाद हो चुका था किसे ब्रिटेन से उसने स्टॉप कर दिया था कि मैं आपको किस प्रकार की कल्टिवेशन नहीं करूँगा। सो द कंपनी टर्न टू न्यूली कॉपीड कॉलोनी ऑफ बंगाल इन सोर्स सप्लाई ऑफ इंडिगो। तो उन्होंने देखा कि न्यू कंपनी को ढूंढना शुरू कर दिया कॉलोनी को उसको उन्होंने देखा कि हम किसके ऊपर कर सकते हैं अभी बंगाल के ऊपर भी यही इस प्रकार की कल्टिवेशन कर सकते हैं। तो उनको एक न्यू रास्ता क्रिएट हो चुका था। फ्रॉम द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में क्या होता है कि द डिमांड फॉर न्यू टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग क्रॉस। तो 19th सेंचुरी में न्यू क्रॉप्स का डिमांड होता है जूट कॉटन रबड़ नीड टू फ्रॉम इंडिया टू मीट द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए डिमांड के लिए उन्होंने देखा जूट की ज़्यादा जरूरत है कॉटन की ज़्यादा जरूरत है रबड़ की जरूरत है। तो इंडिया को इस चीज़ की कल्टिवेशन के लिए फोर्स किया गया कि आप किस प्रकार की फसल को क्या करिए ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप करिए। दे आर टू इम्पोर्टेंट रिजल्ट कल्टिवेशन दो रिजल्ट निकले उनका क्रॉप्स कमर्शियल क्रॉप्स के पीसेंट के ऊपर। फर्स्ट को यह हुआ देवर सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट जो चीज़ें थे वो इंटरनेशनल मार्केट में बेची जाती थी। दे आर डिमांड ऑफ लॉटरी क्योंकि वाइडली क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी थी इन चीज़ें। वेल इन द गुड्स ऑफ ईयर ये बेनिफिटर्स एंड द पीसेंट टू सम एक्सटेंट इन द बैड ईयर्स द पीसेंट सफर फ्रॉम वेरी बैडली। तो उनकी जो बेनिफिट था सिर्फ सब कुछ ही था क्योंकि वो किसानों की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी उनके ऊपर अत्याचार किए थे उनको जिस प्रकार की फसल को उगाने के लिए कहा जाता है। इन द सेंस कैश फ्रॉम द क्रॉप्स एंड बिकॉज फैट मच ऑफ द लैंड वाज सेट असाइड ऑफ नॉन फूड क्रॉप्स पीसेंट डू नॉट हैव इनफ टू ईट। तो हमें पता है कि जो सिर्फ फसल के उनसे उगाई जाती
एक कमर्शियल फार्मिंग के लिए उगाई जाती जो खाने के लिए नहीं होती थी। तो किसानों को ये बहुत सारी क्या हो चुकी थी, प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि उनके खाने के लिए क्रॉप्स नहीं बनती थी। एंड द लैंड वाज असाइड डाउन क्रॉप्स पीसेंट डाउन ऑफ इनफ मच, तो कुछ ज़्यादा नहीं खा सकते। फेम जब हमने देखा कि क्या आ चुका था, फेम आ चुका, फेम का मीनिंग काल पड़ गया, खाने की काट हो चुकी है, तो बिकम द एक्सटैंडिंग फीचर्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या हो चुका है, एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। सो द कॉलोनी का रूल बिगेन टू बंगाल फेम, तो 1770 में जैसे ही क्या होता है कि एक काल पड़ जाता है बंगाल में, इट एंडेड द बंगाल फेम। तो कब वो खत्म होता है, 1947 से खत्म होता है। तो मैनी पीसेंट रिवॉल्ट अगेंस्ट, तो इस जो अंग्रेजों ने सेटअप किया इसके बारे में वो क्या होता है, विरुद्ध हो जाता है, किसके विरुद्ध होते हैं, अंग्रेजों के। तो इसके बारे में, रिवॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में आगे थोड़ा सा बात करते हैं। तो क्या होता है, द ट्रेड ऑफ इंडिगो फ्रॉम एशिया कंट्रोल बाई पोर्तस इन द मिडल ऑफ 16th century। जो ट्रेड था इंडिगो का, वो फ्रॉम एशिया से किसके द्वारा कंट्रोल, पुर्तगाल लोगों के द्वारा कंट्रोल किया था, क्या 1600 में। द स्पेन स्टैब्लिश हंड्रेड्स ऑफ कमर्शियल इंडिगो सेटलमेंट इन देयर कॉलोनी इन द नॉर्थ अमेरिका। तो बहुत सारी जो हमें देखा कि स्पेन ने बहुत सारे सेटअप कर दिए, हंड्रेड्स ऑफ कमर्शियल इंडिगो सेटअप कर दी, कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में। तो 1780 में क्या होता है, सेंट्रल अमेरिका इंडिगो बिकम द वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट। तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा के प्रोडक्शन होने लगती है, कहाँ पर, अमेरिका में। इन द कैरिबन एंड नॉर्थ अमेरिका कॉलोनी द फ्रेंच एंड ब्रिटिश सेटअप द सक्सेसफुल इंडस्ट्री। तो वो क्या कहते हैं कि बहुत अच्छी क्या इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप होते हैं, डच सेटअप द इंडिगो इन जावा। तो डच भी क्या कहते हैं, जावा में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ 19th century में कहता है सेंट्रल अमेरिका इंडिगो ट्रेड क्लैप्स हो जाती है, बिकॉज वार बिगेन, क्योंकि इंग्लैंड और स्पेन के साथ क्या लड़ाई शुरू होती है। आफ्टर अमेरिका रेवोल्यूशन के बाद ब्रिटिश लॉस्ट, तो पूरी तरह से नॉर्थ अमेरिका से क्या अपना संपर्क या कंट्रोल क्या टूट जाता है इसका, अंग्रेज। दिस वाज द क्राइसिस इन द ग्लोबल इंडिगो मार्केट। तो बहुत बड़ा कहता है कि लड़ाई झगड़े का क्या है, माहौल क्रिएट हो जाता है। तो बंगाल वाज द वन ऑफ द सर्वाइविंग रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन था, एंड डेंटेड बाय द शार्प ड्रॉप इन द इंडिगो गोल्ड प्रोडक्शन एंड ट्रेड। तो बहुत बड़ा एक इलाका था जिसको प्रोडक्शन कर सकती थी, कौन, अंग्रेज लोग ज़्यादा इस चीज़ को प्रोडक्शन करते थे, इंडिगो को। उन्होंने एक रास्ता ढूंढा कि बंगाल में है जिसमें यह चीज़ें प्रोडक्शन कर सकते हैं। एज द लेबर वाज चिप, लेबर क्या बंगाल में सस्ती थी, इंडिगो कैन बी प्रोड्यूस, इंडिगो ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू टुक फॉर द वे ऑफ एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो, इंडिगो अंडर कल्टीवेशन लेना शुरू कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा उसको कल्टीवेशन कर दिया। द प्रोस्पेक्ट ऑफ ह्यूज प्रॉफिट, ताज ज़्यादा जा के मैनी ऑफिशियल को प्रॉफिट हो चुके कंपनी को, और वो इंडिगो को प्रोडक्शन करने लगे, ताकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा उनका डेवलपमेंट होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ आएगा ना। थैंक यू वेरी मच।